टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है एक एक्सक्लूसिव अपडेट, जिसमें आप देखेंगे कि च्यवन निवास से सही हो जाएगी 9-2-11। दरअसल होगा कुछ यूँ कि रिसेंटली आई रिपोर्ट्स की माने तो विराट सई को एक कमरे में कर देने वाला है बंद, वो इसलिए ताकि पुलकित से दिव्यानी को मिलवाने की कोशिश सई ना करे। लेकिन सई तो भाई सई है, उसे कोई दरवाज़ा उसे कोई दीवार भरा कहाँ कैद कर सकती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सई विराट को चकमा देकर के उस कमरे से अपने आप को कर लेगी आज़ाद और वो चोरी छुपे जाकर देवयानी को भी अपने साथ ले जाएगी। जैसे ही अगली सुबह विराट उठेगा नींद से, वो अपने कमरे को करेगा चेक, वहाँ पर सई को ना देखकर विराट को हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा टेंशन। वो नीचे जाकर के घर वालों से पूछेगा कि आखिर सई कहाँ है, लेकिन धीरे धीरे सई के बारे में जैसे ही इधर उधर खोजबीन शुरू होगी, पता चलेगा कि सई तो पूरे घर में है ही नहीं। यहाँ पर पूछा जाएगा सई की बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ की जगह पर कि सई कहीं वहाँ तो नहीं है, लेकिन विराट को सई दूर दूर तक कहीं नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विराट और सई के बीच में आने वाली है काफ़ी ज़्यादा दूरी, क्योंकि सई तो नाराज़ होकर पहुँच जाएगी च्यवन निवास से सीधा गढ़चिरौली, जहाँ पर है उसके आबा की यादें, जहाँ पर है उसका सुकून। सई जैसे ही गढ़चिरौली जाने की बात विराट से करती है, हमेशा विराट उसे डांट करके चुप करा देता है, लेकिन इस बार सई छोड़कर जाने वाली है अपने आबा के घर यानी कि गढ़चिरौली। लेकिन उससे पहले जाते जाते सही करने वाली है च्यवन निवास में एक बड़ा ब्लास्ट, और वो ये होगा कि वो चुपचाप देवयानी को भगा करके पुलकित के साथ मंदिर में शादी करवाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इधर तो चल रही होगी होली की तैयारियाँ, उधर सई कर देगी ये बड़ा कांड और वो देवयानी को ले जाकर के पुलकित से शादी करवा देगी। और विराट को जैसे ही इस बात की भनक लगेगी, वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि विराट सई से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो उसकी इच्छा के बिना देवयानी की शादी पुलकित से करा देगी। और यहीं से शुरू हो जाएगा इन दोनों के बीच में एक नया सफ़र। यही सब होने वाला है आगे की कहानी में, जो देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर सई और विराट के बीच में आने वाली है डिस्टेंस की एक गहरी खाई, जहाँ पर विराट अपने घर में रहेगा और सई रहेगी च्यवन निवास में, और उसका फ़ायदा उठाने वाली है पत्रलेखा। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे अपनी अलग रिपोर्ट में। भला आपको क्या लगता है कि पुलकित दिव्यानी को मिलाकर के सई ने सही किया है या गलत? जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, पुलकित पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या सई ने पुलकित और देवी का साथ देकर के सही किया, या फिर विराट के खिलाफ जाकर के सई ने एक पत्नी धर्म का अपमान किया है? अपनी अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।